अब कोई बताएगा मेरा रोल क्या है? यस सर, બધાની અંદર કોઈ ને શક્તિ છે જ, ઓકે, પણ એને બહાર કાઢવા માટે જે રોલ જોઈએ એ અત્યારે તમે અમને મંત્ર શીખવાડશો. ગ્રેટ ગ્રેટ, એક વાર જોરદાર તાલીયા હોની ચાહીએ, મેં યહી સુનના ચાહતા થા. એક્ચ્યુઅલી મેરા રોલ યે વાલા હૈ હી નહીં, યે આપ હો. કહા જાતા હૈ એક બિઝનેસમેન જો હૈ વો સબ કુછ કર સકતા હૈ, ઓર એક હી શખ્સ એસે હમે દિખે હૈ ઇસ દુનિયા કે અંદર, હનુમાનજી જો સબ કુછ કર સકતે થે. लेकिन प्रॉब्लम यह होता है, जिंदगी की मार और जिंदगी की कुछ ठोकरे जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम खुद ही अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं. जैसे उनको श्राप मिला था, उन्होंने निकल गए थे सूरज जी को फल समझ के. तो कई बार हमारी गलतियां होने के कारण या गलत डिसीजन लेने के कारण हम जानबूझकर ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो ताकत है, और टाइम टू टाइम उस ताकत को जगाने का काम किसी ना किसी को करना पड़ता है, जो आज मेरा रोल है जामुवन का. और मैं चाहता हूं आप लोगों की उड़ान 500 करोड़ के ऊपर की होनी चाहिए. होगी? ग्रेट. वाई एलडीपी? एलडीपी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमने ये एलडीपी प्रोग्राम डिजाइन किया? तो ये एलडीपी प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले तकरीबन हम 1000 से ज्यादा बिजनेसमैन लोगों को मिले और 1-to-1 मिले. जितने भी बिजनेसमैन लोगों के साथ हमने मीटिंग की, बातचीत की, डिस्कशन किया और जानने का प्रयत्न किया कि क्यों वो लोग कामयाब नहीं होते हैं, क्यों सबको सक्सेस नहीं मिलती है. इंडिया का रेशियो ये बताता है कि 100 बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं उसमें सभी को सक्सेस नहीं मिलती है. तो उसके पीछे का रीजन बहुत टाइम के बाद जब हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कुछ ऐसे, ये दोहा हमें याद आया. पढ़ते हैं साथ में मिलके, क्या लिखा है बोलिए. अरे ताल में बोलते हैं, फिर से एक बार. बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई. मतलब क्या? कितने लोग बिजनेस कर रहे हो और कितने लोग यहां बैठे हैं जिनको बिजनेस में दिक्कतें है, प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, यहां पर आए हो तो प्रॉब्लम तो होगा ही, हमारा काम ही ये हुआ है. सही है? अब कितने लोग ये मानते हैं कि मेरे धंधे में जो प्रॉब्लम है वो मेरी टीम के कारण है? कितने लोग मानते हैं कि मेरे बिजनेस में जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर के कारण है? कितने लोग मानते हैं कि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है वो मेरे कॉम्पिटिटर के कारण है, मेरे पार्टनर के कारण है, मेरे घर वालों के कारण है, मेरे बाहर वालों के कारण है? तो कारण जो है वो एक बिजनेसमैन जो है वो हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो ढूंढता कहां नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है ना वो खुद है. और उसके पीछे का कारण क्या है पता है? कारण है ये लैकिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एक धंधे वाला धंधा करना जब शुरू करता है, जब उसने नौकरी की थी ना तो वहां पर उसका बॉस था, तो रोज सुबह से शाम जब वो काम करता था ना वो रिपोर्ट देता था कि मैंने आज पूरे दिन में ये चीजें की. लेकिन जैसे ही वो धंधे वाला बना, धंधे वाला बनने के बाद उसने क्या सोचा? अपुन बॉस, अब सब कुछ डिसाइड हम खुद करेगा, तो रिपोर्ट हम किसी को नहीं देगा. तो उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी थी, जो उसको अपने आप को किसी ना किसी को सबमिट करना था, वो सबमिट नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि एक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एडवाइस करने वाले सुपरवाइजर होते हैं, उनकी कोर टीम होती है, कोर टीम को हैंडल करने वाले मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर को लीड करने वाले लीडर होते हैं, लेकिन लीडर के ऊपर कंपनी होती है, तो उसके ऊपर कोई है नहीं. तो होता क्या है, फिर हम सब लोग धीरे 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 अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं. लेट ऑफिस पे जाना, लेट सुबह उठना, काम का मूड हो तो काम करना, ना हो तो ना करना, किसी को कुछ भी बोल देना, कैसे भी किसी को लेकर आ जाना, कैसे भी उसको काम पे लगा देना, कैसे भी कपड़े पहन के काम पे चला जाना.
मतलब हम खुद सिस्टम बनाते नहीं हैं और हम खुद धंधे की जो सिस्टम है उसको ब्रेक करते हैं। और वो ब्रेक अगर हमने किया, कानून तोड़ा आपने, अगर ट्रैफिक के रूल्स तोड़े तो फिर क्या पे करना पड़ता है? घर पे क्या आती है? पर्ची। और वही चीज आपके ईयर एंड के अंदर, आपकी बैलेंस शीट के अंदर आता है कि आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट में है और आपकी कंपनी कितने लॉसेस में है, वो आपको तब पता चलता है। यस, तो आज के बाद एज अ बिजनेसमैन अगर कोई चीज में आपको चेंजेस लाना है तो ये लाना है, आपको बनना है अकाउंटेबल किसी एक पर्सन के लिए। वो घर वाला भी हो सकता है, वो पार्टनर भी हो सकता है, वो आप खुद हो सकते हो, या कोई भी आपसे सीनियर हो सकता है। क्या बनेंगे? यस, ग्रेट। क्योंकि कहा जाता है पर्सनालिटी ऑफ लीडर इज द पर्सनालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाप जैसा बेटा, तो आप जैसे होगे ना वैसे ही आपकी टीम होगी। और आप जिस तरीके से अपना एटीट्यूड रखेंगे ना, आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों का अप्रोच भी वैसा ही होगा। तो कई बार हम ये सोचते हैं मुझे अच्छे लोग मिलते नहीं। इसका मतलब क्या होगा फिर? समझदार लोग हो यार, तुरंत बात समझ जाते हो। कई बार हम ऐसा सोचते हैं मेरी कंपनी के अंदर सिस्टम बन नहीं पा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है हमने सिस्टम कैसे बनाना वो सीखा ही नहीं है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी जो होती है एक लीडर की, क्योंकि लीडर जिस तरीके से दिखेगा वैसी ही उसकी टीम होगी। तो आपको जैसी टीम बनानी है ना, सबसे पहले आपको खुद को वैसा बनना पड़ेगा। और जब आप वैसे बन जाओगे, कहा जाता है चुंबक जो होता है ना वो लोहे को आकर्षित करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी अगर बेहतर हो गई ना, आप अच्छे लोगों को आकर्षित कर पाओगे। यस, करेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं सीखने का महत्व, लर्निंग का इंपॉर्टेंस। तो यहां बैठे में से कोई लोग मुझे बताएगा कि पूरे 24 घंटे में से हम कितना टाइम जो है वो लर्निंग के पीछे बिताते हैं, सीखते हैं? कोई है? यस सर, बहुत कम बार ऐसा होता है कि सीखते हैं, सिर्फ काम ही करते हैं, सीखते नहीं। खाली काम करते हैं, सीखते नहीं। बार ऐसा होता है कुछ सीखने को भी मिलता है, कभी कभी मिलता है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, दो लोग हैं, दो लोग आर्मी में ज्वाइंट होना चाहते हैं, एक बंदे को जंग लड़ने के लिए जाना है। अब एक बंदा जो है वो युद्ध की सारी टेक्निक सीख कर जा रहा है, तो वो गोली मारेगा या खाके आएगा? मारेगा। और दूसरा ऐसा है जो बोलता है मुझे सब आता है, मैं चला, बाय बाय। अब AK-47 उसके हाथ में है, लेकिन प्रॉब्लम ये चलानी नहीं आती है, क्या होगा? गोली खाके आए तो ज्यादा आएगा। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह होता है जब लर्निंग की बात आती है, सीखने की बात आती है, वो सीखना कुछ भी नहीं चाहते और बोलते क्या है, मुझे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की कंपनी बनानी है। लेकिन वो कैसे बनाई जाती है वो उन्होंने सीखा ही नहीं है। क्योंकि यहां पर बहुत बारीकी से आपको दिखेगा, ये एल को अगर मैं निकाल दूं तो क्या दिखेगा? ज्यादातर लोग पैसे के पीछे पागल है, और ज्यादातर लोग भागते कहाँ है? पैसे के पीछे। और सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है पता है? उन्हीं को नहीं मिलता है, जो ज्यादा भागते हैं ना उन्हीं को नहीं मिलता है। और कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे पास जितना नॉलेज होगा ना उतना अकाउंट में पैसा होगा, और अगर वो नॉलेज मेरा कम हो गया ना तो अकाउंट में बैलेंस भी कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक एक्टिविटी के थ्रू आउट सबसे पहले हम करेंगे, आप सब लोग अपना एक्टिविटी शीट ओपन कर लीजिए।